अगर लंबे पॉडकास्ट अच्छे नहीं लगते ना तो छोटे छोटे क्लिप्स आपके लिए हम लेकर आए हैं ये है टी आर एस क्लिप्स आपने खुद बहुत सारी साइंस साइंस फिक्शन फिक्शन मूवीज मूवीज देखी है है हाँ। में शायद आपका फेवरेट science fiction है। <laughs> तो सर मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि आपके नजरिए में एलियंस कैसे हो सकते हैं और मे बी स्टार्ट फ्रॉम द सोलर सिस्टम क्या हमारे खुद के सोलर सिस्टम में अकॉर्डिंग टू एलियंस हो सकते हैं मून्स के अंदर गुड क्वेश्चन सो हमारे सोलर सिस्टम में कई जगहों पर वाटर बॉडीज़ है जैसे कि फॉर इंस्टेंस अभी हमने प्लूटो को रिसेंटली इन्वेस्टिगेट किया वहां पर वो न्यू होराइजन स्पेस गया और वहां का जो सरफेस ऐसा है उसमें मालूम पड़ता है कि मोस्ट लाइकली उसमें एक सब सरफेस ओशन है लिक्विड वाटर का और अगर वो लिक्विड है तो मतलब कुछ तो उसमें हीट सोर्स होगा जो उसको लिक्विड रख रहा है इतना दूर सन से अगर हीट सोर्स है और बहुत सारे अलग अलग बायोकेमिकल्स है तो पॉसिबली माइक्रोस्कोपिक लाइफ हो सकती है या फिर इवन मोर इवॉल्व लाइफ टाइटन नाम का एक मून है आई थिंक सैटन का मून है वहां पर एक बहुत ही थिक एटमोस्फेयर है और वहां पर कंप्लेक्स हाइड्रोकार्बन्स का केमिस्ट्री है तो उधर भी पॉसिबल है कि उधर टेम्परेचर बहुत लो है तो वहां अगर लाइफ होगी तो उसकी बायोकेमिस्ट्री यहां से बहुत अलग होगी लेकिन इट इज पॉसिबल गीमीड नाम का एक मून है एक यूरोपा नाम का मून है वहां पर भी पानी है हमने देखा भी है वहां पर वॉलैनिज्म होता है क्रायो वॉलैनिज्म मतलब जैसे अर्थ में वॉलैनोज में से लावा निकलता है वहां पर वॉलैनोज में से पानी निकलता है hmm. sort of आइस uh, कौन से प्लान पर आई थिंक इट इज प्लान मून है यूरोपा ओके okay. यूरोपा है या एनसेलेटस या गैनीमीड मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है बट दीज टू थ्री मून्स वहां पर पानी डेफिनेटली है mm. uh, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग कैंडिडेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में जहां पर पानी अधिक मात्रा में लार्ज क्वांटिटीज में उपलब्ध है और वहां पर हम जानते हैं पूरे सोलर सिस्टम में जितने भी मीटियोराइड्स एस्टेरॉयड्स है कॉमेट्स है उसमें अमीनो एसिड्स के ट्रेस हमें मिलते हैं और कॉम्प्लेक्स बायोकेमिस्ट्री के ट्रेस मिलते हैं मतलब दी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डीएनए एंड लाइफ उपलब्ध है mm -hmm. हमारे सोलर सिस्टम में अलग अलग जगहों पर इट इज वेरी पॉसिबल कि वहां पर वो लाइफ का कुछ सोर्स uh, मिले अभी रिसेंटली वीनस जो हमारा नेबरिंग प्लानट है वहां पर हमें फॉस्फिन गैस के ट्रेस मिले हैं फॉस्फीन इज अ पॉइजनस गैस बट इट्स इट्स अ साइन ऑफ लाइफ माइक्रोस्कोपिक सिंपल लाइफ क्यों क्यों एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जो लाइफ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके कुछ बायोकेमिकल प्रोसेस से वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू फॉस्फिन गैस इज अ बाई प्रोडक्ट उत्पन्न होता है सो okay. so, वीनस में फॉस्फिन नहीं मिलना चाहिए था क्योंकि उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं लेकिन दे फाउंड फॉस्फिन ट्रेस ऑफ फॉस्फिन hmm. तो इसका इंडिकेशन शायद ये है कि वहाँ पर कोई किसी प्रकार की लाइफ हो सकती है अब वीनस ऐसा प्लानेट है बहुत ही इनहासपिटेबल है इनहास्पिटेबल है वहाँ का एटमोस्फेरिक प्रेशर यहाँ के एटमोसफेरिक प्रेशर से तीन गुना ज़्यादा है और वहाँ का टेम्परेचर भी इतना गर्म है कि वहाँ अगर आप लेड है ना लेड मेटल वो मेल्ट हो जाएगा उतना गर्म है और वहाँ पर जो बारिश होती है वो हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है इट इस अ वेरी हेलिश एनवायरनमेंट लेकिन वहाँ पर भी लाइफ पॉसिबल है इन दोज कंडीशन क्योंकि हमारे अर्थ में भी अगर आप अंडर अंडर द ओशंस जाएंगे तो कुछ जियो uh, वेंट्स निकलते हैं जियो थर्मल वेंट क्या होता है कि इट इज़ एन ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट और वहाँ से वॉल्कैनिक लावा और वॉलैनिक एक्टिविटी वहाँ से होती है और उसकी वजह से उसके कारण से वहाँ का जो पानी है इवन तो बहुत डीप है वो ठंडा होना चाहिए लेकिन इट इज़ बॉयलिंग हॉट mm. वहाँ पर सनलाइट भी नहीं पहुँचती है बट लेकिन दर इज़ दीट सोर्स और वहां पर हमने रोबोटिक क्राफ्ट भेजे सबमरीन्स वहाँ पर बहुत सारी लाइफ मिलती है अलग अलग लाइफ अब जो जो अर्थ में कहीं और नहीं हो सकते सो इवन इन दीज एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स अर्थ में लाइफ पॉसिबल है mm. तो ऐसे एक्सट्रीम एन्वायरमेंट्स हमारे सोलर सिस्टम में अलग अलग जगह पर है mm. और वहाँ पर बायोकेमिकल्स भी बहुत सारे मोस्ट लाइकली अवेलेबल है सो हमारे सोलर सिस्टम में ही